अरे ये क्या कर रहे हैं आप? जवान लड़के पर सबके सामने हाथ उठा रहे हैं। फ्री में खा खा के चर्बी चढ़ गई तुम्हारे लाडले को। दो दिन में इसकी शादी है, बराती सब ट्रेन में है, लड़की वाले जम्मू में इंतजार कर रहे हैं और तुम्हारे साहबजादे कहते हैं इनको शादी नहीं करनी। एक शरीफ दूल्हे की तरह चुपचाप अंदर जाओ, जाकर बैठ जाओ, वरना। अब बस भी कीजिए। देख बेटा, हम तेरे दुश्मन थोड़े ही हैं। लड़की बिल्कुल गाय की तरह है, सीधी और गुणी। तुझे पता है ना, तेरे पिताजी ने तेरी MBA की पढ़ाई पर कितना पैसा खर्चा किया है। अब शादी तो उनकी मर्जी की ही बनती है। ऋषि वाराणसी में पैदा हुआ। अरे वाह, बहू का फोन है। उठा ले बेटा, उससे बात करेगा तो अच्छा लगेगा। चल मुझे जाने दे। हेलो ऋषि जी। ऋषि जी आप सुन रहे हो ना? हाँ स्वाति, सुन रहा हूँ, बोलो। ऋषि जी ये क्या है? शर्माने का हक तो सिर्फ दुल्हन को होता है ना, और आप दुलाओं की शर्मा रहे हो। मैं स्वाति, मैं बाद में बात करता हूँ। ऋषि जी बात कीजिए ना। मैंने ना स्पेशली आपके लिए कमल ककड़ी की पकौड़ियाँ बनानी सीखी हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। बात कर। अंदर जाओ। सॉरी, आपको लगी तो नहीं ना? नो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आप उतरने वाले थे? कम, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। नो, अरे हु आर यू मैड? ट्रेन कितनी फास्ट है, मैं उतरूंगा तो मैं मर जाऊंगा। अरे फास्ट नहीं है, बहुत स्लो है, मैं तो आराम से उतर जाती हूँ यहाँ से। उतर जाओ। अरे नहीं, बातों से इतनी ओवर कॉन्फिडेंट लग रही हूँ जैसे कोई डेली पैसेंजर हो, और तुम्हें देख के लग नहीं रहा कि तुम ट्रेन में ट्रेवल करने वालों में से हो। तुम मेरे कॉन्फिडेंस को फेक कह रहे हो? इसके पहले कभी आज तक ट्रेन में ट्रेवल किया है? और लास्ट टाइम जब ट्रेन में ट्रैवल किया था ना, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था। कॉन्फिडेंस। चलो, व्हाट, नाइस मीटिंग यू, बाय। नथिंग लेस देन अ ब्लेसिंग। नहीं, हम यहाँ बैठे ही ठीक हैं। लेटने के लिए ऊपर की सीट पर जाना होगा। दरअसल हमारे जोड़ों में बहुत दर्द है। ऊपर जाने की क्या जरूरत है, हम यही कुछ एडजस्ट कर लेते हैं, आप नीचे लेट जाओ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है मेहमानों को परेशान करने की। अगर आप ऊपर नहीं जा सकती तो चुपचाप यहाँ बैठे रहिए। आंटी, आंटी आप एक काम करिए, आप मेरी सीट पे आ जाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं ऊपर जाने में, आइए। हमें किसी अजनबी से कोई मदद नहीं चाहिए। ओ, हेलो अंकल, मेरा नाम मिली है। नमस्ते, 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 नमस्ते। अब हम अजनबी नहीं है आंटी, आ जाइए।
चुपचाप यहीं बैठे रहिए। अरे आप ऐसे कैसे कह सकते हैं आंटी को, उनकी मर्जी, वो जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकती है। आप जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं उनके साथ। तुम शांत हो जाओ बेटा, अब हम यहाँ अपनी मर्जी से ही बैठे हैं। आंटी यू नो व्हाट, ये आपका जो नजाकत भरा रूप है ना, सीधा साधा, अंकल की हर बात मानने वाला, इसी की वजह से वो आपका फायदा उठाते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, करवा चौथ वाले दिन अगर अंकल आपको बोलेंगे आज मून मून नहीं है, आज सन मून है, तो आप सन को देख के करवा चौथ का फास्ट तोड़ देंगी? नहीं ना, नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट की भी तो कोई बात होती है ना आंटी। दिस इज नॉट फेयर, ये बहुत गलत है। अगर आपको यहाँ पे आके बैठना है आप बैठ सकती है, आप अंकल को क्यों पूछ रही है? आइए आइए। वो क्या है ना, जिसे तुम गलत समझ रही हो ना, वो हमारी परंपरा है। अपने पति की आज्ञा का पालन करना ये हमारा धर्म है, संस्कृति है। पर तुम जैसी लड़की ये क्या समझेगी? You're right, uncle. इन सब चीजों में मेरा IQ थोड़ा कम है। Sorry, आंटी। फट्टू। की वेडिंग पे तो जा रहे हैं हम। हमें तो लग रहा है हम वॉर पे जा रहे हैं। अभी भी अगर नाच गाना नहीं हुआ या ढोलक शलक नहीं बजे ना, तो हम अपने मुंह पर पट्टी चिपका के बैठ जाएंगे। शीला, ज्योति, बेटा उठ जा। शीला आंटी को बैठने दे, यहाँ बैठो। ज्योति तुम ढोलक लेकर आओ, यहाँ आ जाओ। कुछ नाच गाना होना चाहिए, शादी ब्याह में जा रहे हैं। मुंह लटका के बैठा हुआ है। आंटी, आंटी मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास ना स्पीकर्स भी है और मेरे फोन पे माइंड ब्लोइंग म्यूजिक है। मैं अपने स्पीकर्स लगाऊंगी, पर एक चीज करनी पड़ेगी आप सबको। आप सबको डांस करना पड़ेगा, ओके? ये चलो लेट। आँखों में रहता है चेहरा तेरा, होठों पे रहता है नगमा तेरा। मेरे जहन में बस एक तू, तेरे सिवा क्या है मेरा। अपना खुदा हर खुशी की तू वजह, गर जो हुई तू मुझे। Oops, ouch. आजकल की लड़कियों को ना कपड़े पहनने का ढंग, ना बात करने का ढंग। क्या परिवार बसाएंगी और क्या बच्चे पालेंगी?
once, do something for yourself. मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। आप लेंगी? कोई जरूरत नहीं है। कोई भी अगर अच्छा इंसान होता तो उस समय वही करता जो मैंने किया। थैंक यू। तुम्हें ऐसा लग रहा मैंने तुम्हें थैंक यू कहने के लिए बुलाया? सॉरी। वैसे क्या देखा तुमने? एक्चुअली हम दोनों इतने पास थे ना एक दूसरे के, कुछ देखने का मौका ही नहीं मिला। बैड लक। बैड लक? यू आर सच अ चीपस्टर। तुम्हारे साथ डांस किया, तुम्हारी गोद में गिरी, उसका तुम ये मतलब निकाल रहे हो, राइट? एनीवे, थैंक यू। वो आज तुमने मेरी मॉम को जो सपोर्ट करा मेरे डैड के सामने। वैसे ये तुम्हारा काम था, यू नो दैट, राइट? आई नो। तुमने अपनी शक्ल देखी है, ऐसा लगता है प्रेशर कुकर है जिसके अंदर बहुत कुछ पक रहा है लेकिन सीटी नहीं बज रही। मैं आपको चेक करा लो, नहीं तो ब्लास्ट हो जाओगे एक दिन। तो क्या करूं यार, मेरी जिंदगी तुम्हारी जैसे बिंदास नहीं है ना। ऐसे पेरेंट्स जो मिल गए जो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। शादी सांस सब सब उनकी मर्जी से लेना पड़ रहा है। मेरा ना दम घुट रहा है। एग्जैक्टली, यही चीज जाके कह दो अपने मम्मी पापा को। अभी देखो कैसे सब कुछ बोल रहे हो मेरे सामने। तुम्हें उनको जाके बताना पड़ेगा कि तुम क्या चाहते हो, ये तुम्हारी ड्यूटी है। मुझे देखो, 2 महीने की छुट्टियां लेके जा रही हूँ मैं पठानकोट विशाल के साथ छुट्टियां मनाने। And look at you, तुम हो ही फट्टू। और अगर फट्टू नहीं हो ना, तो जाके कह दो अंकल को कि तुम ये शादी नहीं करना चाहते। Simple. Listen, मैं फट्टू नहीं हूँ। मैं अपने डैड की रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ। उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया मुझ पर, मुझे बहुत पढ़ाया है। छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। तुम्हारी लाइफ मेरे जैसी नहीं है ना। तुम्हें ऐसे पेरेंट्स जो दिए जिनके पास तुम्हारे लिए टाइम ही नहीं है। एकदम खुली आजादी, खुले पैसे, सब कुछ देख के तुम्हें छोड़ दिया। तुम्हारी गलती नहीं है। ठीक कह रहे हो तुम। मेरे पेरेंट्स के पास मेरे लिए कोई टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो इस दुनिया में है ही नहीं। पांच साल पहले वाराणसी के पास एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था। उसमें मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई। और हाँ, तुमने खुले पैसे की बात भी बिल्कुल सही की। गवर्नमेंट ने दिए थे 6 लाख मरे हुए लोगों के लिए और 3 लाख इंजर्ड लोगों के लिए। तो मेरे पास 12 लाख है मम्मी पापा की डेथ के, और 3 लाख मुझे मिले थे क्योंकि मुझे भी थोड़ी इंजरी हुई थी। उनके चले जाने के बाद फिलहाल मैं अपनी कजन सिस्टर और उसके हस्बैंड के साथ रहती हूँ। नेवर माइंड। लिसन, अब जो मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं रिच हूँ, मेरे पीछे मत पड़ जाना, ओके? See you.
फोन। पापा बस मैं सबको पानी पिलाने जा। देखो उस मुंहफट लड़की से जितना दूर रहो ना उतना ही अच्छा है। ऋषि तुम जानते हो मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है और तुम्हारे ससुराल वाले से जो मुझे 10 लाख मिलेंगे मुझे उसकी कितनी जरूरत है तुम जानते हो, है ना? I'm really sorry. मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में नहीं पता था। But hey, you're such a happy soul, यार। तुम्हें मेरा सेल नंबर कैसे मिला? वो तुम्हारा फोन गिरा था ना, मैंने तभी चुरा लिया। वाह वाह, I'm impressed. डेयरिंग का कीड़ा है तो सही तुम्हारे अंदर, बस अब बाहर आना बाकी है। कभी तो जिंदगी में बहादुर बनोगे। यू नो, मेरे बॉयफ्रेंड विशाल में यही एक खूबी है, उसको किसी की पड़ी नहीं है। एक दिन तो मुझे अपने रूम तक लेके चला गया था। तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके रूम में अकेले गई थी? चीपो, डोंट गेट आइडियाज। ख्यालों में मैं उसके घर गई थी। हाँ हाँ, इसमें क्या है? ऐसे तो ख्यालों में मैंने बड़े बड़े कार्ड कर रखे हैं। वैसे तुम लोग मिले कैसे? अभी हम मिले ही कहाँ हैं, इसीलिए तो उससे मिलने जा रही हूँ। तुम आज तक उससे मिली नहीं, पहली बार मिलने जा रही हो? यू आर मैड। 12 बजे मिल सकते हो, जब सब सो जाएंगे। कहीं
मैं भी एक फटू हूँ। ट्रेन एक्सीडेंट के इंजरी पे ये दाग मुझे मिला था। ये दाग शायद शायद जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा। ऋषि, ये जो दाग है ना, ये मेरी बॉडी पर नहीं, मेरी आत्मा पर लगा है। मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद मैंने ही खुद को पाल पोस के बड़ा किया। कभी कभी खुद ही पापा की तरह डांट देती थी अपने आप को, या मम्मी की तरह पैम्पर करती थी। दुनिया ने ना हमेशा मुझे यूजलेस समझा, या मुझे हैंडीकैप समझ के हमेशा ऐसा सोचा कि मैं जिंदगी की रेस में आगे बढ़ ही नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती। पिछले एक साल से रेंटेड अपार्टमेंट में अकेले रह रही हूं। एक्सीडेंट के बाद मैं अपनी कजन के साथ रहती थी। जिस दिन गवर्नमेंट ने कॉम्पेंसेशन भेजा ना, उस दिन मेरे जीजा जी बिल्कुल बदल गए। उनकी नजर सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसों पर थी, जो वो अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए यूज करना चाहते थे। इसीलिए मैंने घर छोड़ दिया। तब से भाग रही हूं मैं। मैं उनसे भाग रही हूँ, और वो मेरे पीछे पड़े हुए, इसीलिए जा रही हूँ विशाल के पास। जिस दाग को तुम पूरी दुनिया से छुपाते आ रही हो, आज वही दाग एक अजनबी, आई मीन मुझे कैसे दिखा दिया? पता नहीं, शायद कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। एनीवे, मुझे जवाब मिल गया। एक बात बताऊं, वैसे तुम इस दाग के साथ और भी और दिखती हो। जी, अब और क्या कहूं तुम्हें। एक तरफ तुम इतनी मैच्योर्ड हो, इतनी सेंसिबल हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम अपने बॉयफ्रेंड विशाल, मतलब एक अजनबी से मिलने जा रही हो, उसके साथ रहने जा रही हो, जो तुम्हारा सिर्फ एक ऑनलाइन फ्रेंड है। तुम उसको जानती तक नहीं हो। I mean, why? तो मैं क्या करूं? पता है क्या? सबसे पहले तो अपने ये रोना बंद करो। वरना ना मैं तुम्हें नाम दे दूंगा, रोंदू मल। साले साहिबा, मेरे पीछे क्यों पड़े हुए? अब हमें इस तरह तुम्हारे पीछे भागना कोई अच्छा थोड़े ना लगता। क्या करूं, तुम हो सोने का चिड़िया। अगर हम आजाद कर देंगे, कोई दूसरा बहेलिया तुम्हें अपने पिंजड़े में कैद कर ले। प्लीज प्लीज ऐसी बातें करना बंद कीजिए।
कम से कम दीदी के बारे में सोचिए। अरे कमाल कर रही हो, ये सब केवल अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अरे दीदी के लिए भी तो कर रहे हैं ना। देखो देखो, हमें इलेक्शन जीतने के लिए चाहिए पैसा। जो हमारे पास अगला स्टेशन है पठानकोट, वहां से हम सीधे वाराणसी जाएंगे। तू अपने अकाउंट से निकाल कर पैसे दे दो बस, उसके बाद जहां जी करे जाओ। फिर जीजा भी खुश, साली भी खुश। ये क्या हुआ? ओ हीरो, तू जहां खड़ा है ना वहीं खड़ा रहे, चुप जा। तूने जरा सा भी हिलने की कोशिश की ना, तुझे चलती ट्रेन से उठाकर बाहर फेंक देंगे, समझ में आया? हाँ तो क्या कह रहे थे? जिनके आगे जी, जिनके पीछे जी, जिनके आगे पीछे जी जी, ये हमारी साली है, हम इनके जीजा जी। छोड़िए मेरा हाथ। आओ। छोड़िए। साहबजादी घर पे बिना बताए चली आई। छोड़िए मुझे, आप मेरे साथ जबरदस्ती। चुपचाप चलो, जब से ट्रेन चली तब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। छोड़िए छोड़िए, सामान पैक करो अपना, समझ में आया? आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। बिल्कुल चुप, कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। क्या किया है सरफरी लड़की ने? आप क्या बताएं भाई साहब, आजकल का लड़के अपने हिसाब से ही सारा काम करते हैं। घर से भाग के आई है, मुझे तो पहली नजर में ही लगा था कि कुछ गड़बड़ है। ना कपड़े पहनने का ढंग, ना बात करने की तमीज। भाई साहब एक बात बताऊं, लड़कियों को इतनी ढील नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, थोड़ा लगाम तो कसना पड़ेगा इनका। भाई साहब ये बनारस की लड़कियां तो बड़ी तमीजदार होती हैं। ऐसी बेशरम लड़की मैंने पहली बार देखी है जिंदगी में। अंकल आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बिल्कुल चुप चुपचाप, बिल्कुल तमीज से पेश आओ, वरना हम बदतमीजी पे उतर आऊंगा। We'll be right back.
तुम्हारे ससुराल वाले से जो मुझे 10 लाख मिलेंगे, मुझे उसकी कितनी जरूरत है तुम जानते हो। तुम हो ही फट्टू, और अगर फट्टू नहीं हो ना तो जाके कह दो अंकल को कि तुम ये शादी नहीं करना चाहते। सिंपल। नमस्कार, नमस्कार, नमस्ते। अरे नहीं नहीं, सब की क्या जरूरत है। जो बोलने वाली हूँ वो आप लोगों को बहुत गलत लगेगा। अगर एक दूल्हे को शादी के मंडप से उसकी गर्लफ्रेंड भगा के ले जाए तो वो तो गलत ही होगा ना। अंकल ही आपकी बेटी को कभी खुश नहीं रख पाएगा। यू विल नेवर बी हैप्पी विद हिम। इनफैक्ट शादी के बाद तो ये खुद भी खुश नहीं होगा। बिकॉज द ट्रूथ इज ये मुझसे प्यार करता है। सॉरी। चलिए। देखिए बिल्कुल सर, प्लीज। अंकल देखिए, बस बहुत हो गया। आपकी खुशी के चक्कर में हम सब लोग दुखी हैं। आपको दिखाई नहीं देता क्या पापा? आपने हमेशा जैसा चाहा जो चाहा मैंने किया, क्योंकि मैं उसमें खुश था, मैं वो सब करना चाहता था। नहीं पापा, इसलिए किया क्योंकि आप चाहते थे। मम्मी ने भी चुपचाप वही किया जैसा जैसा आप चाहते थे, लेकिन आपने उनकी इतनी सी भी परवाह नहीं की, कहीं पे भी किसी के भी सामने उनकी बेइज्जती की। अब और क्या चाहते हैं पापा? हम क्या जान दे दे अपनी, मर जाए, बस यही तो बाकी है ना। बेटा चुप हो जा। आज मैंने फैसला कर लिया कि मैं एमएनसी में काम करूंगा और उसी से शादी करूंगा जिससे मैं प्यार करता हूं। मैं पापा को उनके बिजनेस के लिए खुद को बेचने नहीं दूंगा, ये मेरा फैसला है। अंकल, ये आपके बेटे की खुशियों का सवाल है, उसकी जिंदगी का सवाल है। आपको अपने बिजनेस के लिए पैसे चाहिए ना? अंकल आप मुझसे ले लीजिए, मेरे पास है पैसे। मैं अभी आपको चेक साइन करके दे देती हूँ। अंकल प्लीज, इसकी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए।